दुकानों पर नेम प्लेट की राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। इंदौर विधायक के बाद अब भोपाल की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बयान विवादों में बना हुआ है। भोपाल की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक ट्वीट के चलते विवादों में बनी हुई है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मेरा हर हिंदू से आह्वान है, अपनी दुकान पर अपना नाम अवश्य रखें। अब जो दिखेगा वही हिंदू और जो नाम नहीं लिखेगा वो हिंदू नहीं। उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया जमकर बरसे और उन्होंने कहा कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रही हैं, वे अपनी नफरत की राजनीति को जिंदा रखना चाहती हैं। देखिए, ऐसा प्रतीत होता है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर मान रही हैं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर वो बयानबाजी कर रही हैं सुर्खियों में रहने के लिए, ये दिखाता है कि उनकी नफरत की राजनीति वो जिंदा रखना चाहती है। इस देश ने लोकसभा चुनाव में नफरत की राजनीति को पूरे तरीके से खारिज कर दिया है, लेकिन अपनी बयानबाजी से जो नफरत की बातें प्रज्ञा ठाकुर करती हैं वो लगातार करती जा रही हैं। हम मांग करते हैं सरकार से, कोर्ट से, कि ये प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जो बयानबाजी है इसको देखे, संज्ञान में ले, और ये जो नफरत की बयानबाजी कर रही हैं इससे देश का माहौल खराब हो रहा है। देश में नफरत का माहौल बनाने के लिए उन पर एक्शन होना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।